ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਪਲੀ ਮਾਤਰੇ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ दोस्तों ये सरदार जी जो आज से शुरू करी इन्होंने सेवा और ये अभी इनसे बात करी वो बता रहे हैं कि जब तक ये रैली जो है चलेगी ये धरना चलेगा तब तक सेवा करेंगे हम तो एक बहुत बड़ी बात है कि इतने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं भी लगा बाबा जी अभी इनसे बात करेंगे ये जो इधर देख सकते हैं आप कि ये जो लंगर की सेवा यहाँ पर इन्होंने लगाई है कि कब से लगाई है भी बैठक हुई थी यहाँ पर पैरागीट पीपली में तो क्या बात हुई आज वहाँ कुछ कुछ डीसी साहब ने बुलाया है इनको सेवादारों को तो जा रहे हैं देखो थोड़ा मालिक करे हो जाए कृपा इनका हल हो जाए बेचारे ये गर्मी में तंग हो रहे हैं बहुत ज्यादा परेशान है और सिर्फ अपने हक के लिए बैठे हैं ये कोई कुछ नहीं होता है किसी को गलत नहीं कहते ये बेचारे सबका भला मांगते हैं किसान है एक रोटी रोजी है हाँ जी सब दुनिया खा रही है बिल्कुल 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 तो इनकी ये सेवा है इनको सरकार को भी बेनती है हाथ जोड़ के इनका बेचारे की जो बेनती है ना प्रवान करनी चाहिए बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से धरना दिया हुआ है हाँ शांति है बिल्कुल ये लंगर प्रसाद चल रहा है सब शांत है बैठे हैं कोई किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी धन्यवाद मारी भी लेके भर्ती फोटो और ये भाई हमारे हम सर जुड़ चुके हैं क्या नाम भाई हर्ष भाई कहाँ से हो करनाल से है भाई ये हर्ष भाई हैं करनाल से और आज ही आए हो या कल भी आए थे आज ही आए भाई तो अब ये भाई भी हिस्सा बने हैं यहाँ पर जो ये धरना है इसका ये युवा साथी हैं तो क्या कहोगे भाई अच्छा कर रही सरकार या गलत था सरकार बहुत गलत कर रही है भाई तो मतलब कोई नजायज मांग नहीं है सिर्फ जायज मांगा भाई जो हक हाँ सिर्फ वही लेना मानना कोई किसी के ये नहीं है भाई सोना चांदी मांग लिया कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं मांग लिया भाई सोना चांदी देने के लिए सरकार यदि मांग नहीं पूरी कर रही हाँ अपना हक हाँ वो मिलना चाहिए कि नहीं भाई मिलना चाहिए भाई तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कहना है भाई भाई अपने हका वास्ता बैठे हैं हाँ जी हाँ जी ना तो इन्हें पता कोई ज़्यादा मांगते हैं जो अपनी MSP का रेट है 6400 रुपये और ये दे रहे हैं हमारे को 4200-4500 के बीच में तो हम 6400 MSP का रेट है तो हम 6400 लेंगे हम 4200-4500 रुपये क्यों लेंगे जो पहले जो रेट अपने आप कानून बनाया अपने सारा रेट काटा तो आप 4200 क्यों लेंगे हम ठीक है बात इनको ये समझना चाहिए किसान के बिना हमारे पास कुछ नहीं है जो पेट में अन्न जाता है वो भी किसान से खेत से जाता है इनके पास और ये किसी बैम में रहे मत रहे हम ये आंदोलन जीत के ही जाएंगे घर अपने बिल्कुल वैसे सारी चीज बिना थोड़ा थोड़ा चल जाएगा पर खाने बिना खाने बिना कुछ नहीं चलेगा भाई और जो अनाज उगे मालूम नहीं किसा आग मारे वो गलत बात है इसी करके किस जल्दी से जल्दी फैसला लेगा और इन MSP गारंटी और 6400 रुपये इनके अकाउंट में आने चाहिए पर एकड़ के उसके पैसे जो भी रेट है उस हिसाब से ठीक है भाई मैंने यही मांग है ये एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है यहाँ पर राम जी कैसा चल रहा है धरना शांति प्रिय ढंग से चल रहा है ठीक चल रहा है भाई तो आज
कुछ बात हुई सरकार से कुछ आया ना सिरा नहीं लगी कोई बात लगी नहीं सिरा था सिरे के चक्कर में बैठे हैं अभी सारे तो कब बना की बात अभी तक तो अभी तक कुछ नहीं है एक एक ही ठीक है सभी भाई सेवा कर रहे हैं दोस्तों कोई चाय की कोई खाने का लंगर कोई पानी की तो यहाँ पर लगातार सेवा चल रही है क्या नाम आपका मेरा नाम है तकदीर तकदीर तो भाई कहाँ से हो मैं के शीर्ष में थे तो आज ही आए हो या कल भी आए थे आप यहीं खड़े हम तो भाई यहीं पड़े हम तो भाई ये यहाँ पे लोकल ये हैं और ये आज भी और ये डर ना चलेगा तब तक आते रहोगे जितना खट्टर ईमानदार जितना मोदी ईमानदार भाई जितना पूरी पड़े भाई हम हां आंधी आओ तूफान आओ मी आओ जो मर्जी आओ सब ऊपर ना जागा दिल दे साथ दे दिल दे साथ है भाई अपना तो पूरी पड़े अपना तो जो सेवा पानी होगी वह भी करेंगे भाई यार मारे बुजुर्ग नहीं झुके हम क्यों झुका चनाड कट जाएगी पर पूरी पड़े रहेंगे हम झुकांगे आगे मारे जाकर झुकांगे फिर हम ऐसा करो भाई आगे झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद ये दोस्तों भारतीय किसान यूनियन महिला विंग की प्रधान है ये लेडीज जो बैठी है आपके साथ सुधे हो लिए हमें तो पता भी नहीं चला कितने साल है टिकैत साहब बता रहे हैं कि मीटिंग अभी ख़त्म हुई नहीं है जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है।